और इनमें से मैं एक लेने वाला हूँ। इसके भी नए व्हील्स लाने पड़ेंगे और कमेंट्स तो आएंगे कि भाई तू तो ब्लॉगिंग करने लग गया, सौरव जोशी ना बन जाओ आज के दिन में। इसी नहर में हम कूदने वाले हैं, उतारो कपड़े। तो गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी के? आई होप कि आप सभी बढ़िया ही होंगे। सो वैसे तो अभी 10 बज चुके हैं, घड़ी में देख सकते हैं 10 बजे हुए हैं और अब जाकर मैं उठा हूँ। मुझे सुबह सुबह उठना था, राइड पर जाना था, लेकिन जा नहीं पाया। क्या ही कर सकते यार, नींद नहीं खुली। और अभी जो है बाहर का माहौल थोड़ा गर्म हो गया है और ऐसे माहौल में मुझे स्केटिंग करने नहीं जाना है क्योंकि पूरा पसीना पसीना हो जाऊंगा। अभी तो मुंह भी नहीं धोया यार। वैसे मैं आज इनलाइन स्केट लेकर जाने वाला था इनको, क्योंकि मेरे पास अभी स्केटबोर्ड है नहीं। स्केटबोर्ड मेरा जा चुका है रिटर्न इंदौर और मेरा कुछ काम था इसलिए मैं यहाँ पर रुक गया हूँ गाँव में ही। कुछ दिन गाँव में रुकूंगा, मेरा काम सोल्व होने के बाद में मैं इंदौर निकलूंगा। तो वही लफड़ा है, इनलाइन स्केटिंग करते हुए जाने वाला था लेकिन इसकी भी मुझे थोड़ी रिपेयरिंग करने की ज़रूरत है, सर्विसिंग करने की ज़रूरत है, तो आज मैं वो भी कर लूँगा। और वैसे भी मेरे स्केटबोर्ड की जो है हालत ख़राब हो चुकी है, उसकी तार वगैरह टूट चुकी है, लास्ट व्लॉग आपने शायद देखा होगा। लेकिन कोई ना, उसको भी रिपेयर कर लेंगे। अभी यहाँ पर वैसे उतना साधन भी नहीं था उसको रिपेयर करने का, सोल्डर वगैरह करना पड़ता तो दिक्कत आ जाती। और इनलाइन स्केटिंग की बात करें तो ये मुझे अभी चलाना सीखना है, फिर से आती है वैसे, लेकिन फिर से वो स्टेमिना वगैरह लाना है। इनको भी बहुत दिनों से सर्विसिंग नहीं करी है मैंने इनकी, तो फिर इनके जो व्हील्स है वो भी थोड़े थोड़े जाम हो रखे हैं, एकदम फ्री नहीं घूम रहे हैं जैसे कि इनको घूमना चाहिए। वैसे भी ये घिस चुके हैं, थोड़े छोटा साइज़ हो चुका है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा छोटा साइज़ हो चुका है, इसके भी नए व्हील्स लाने पड़ेंगे। और आज का व्लॉग थोड़ा नॉर्मल टाइप का हो सकता है, राइड वगैरह इतनी देखने को नहीं मिलेगी आपको। आज थोड़ा घर का काम भी है मुझे, तो अभी मुंह धो लेता हूँ। मुंह क्या धोना, अभी टाइम हो चुका है, नहाना ही पड़ेगा। नहावा लेता हूँ, उसके बाद में मिलता हूँ आपसे। ओके गाइस, तो अभी नहा धो के रेडी तो हो चुका हूँ लेकिन बाहर जो है थोड़ा बहुत पानी गिर चुका है, रोड वगैरह गीला हो चुका है और ठंडा मौसम हो चुका है तो अच्छा है। लेकिन अभी मैं स्केटिंग नहीं कर सकता हूँ यहाँ पर, स्केटिंग करने जाऊँगा तो फिर फिसल के फिका जाऊँगा। और साथ में मेरे जो इनलाइन स्केट है ना, इनकी दिक्कत एक आई कि मैं इसे क्लीन तो करने वाला था, अभी इनको मैं क्लीन करने वाला था, लेकिन दिक्कत ये आ गई कि मेरे पास एलन की ही नहीं है। एलन की लेके आया था मैं, वो भी वापस पहुंच चुकी है इंदौर, तो इनको क्लीन वगैरह करने के लिए एलन की ज़रूरी है और वो चीज़ है नहीं मेरे पास, तो जान दो इसको बाहर में। तो आज क्लीनिंग वगैरह भी नहीं होने वाली है और ना ही स्केटिंग हो सकती है क्योंकि रोड गीला हो चुका है, पानी गिर चुका है तो फिसल के गिरने का चांस रहेगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ खेत में मम्मी इनको खाना देने के लिए। तो आज नॉर्मल ब्लॉग लेने वाला है, पता नहीं क्यों यार, लेकिन आज स्केटिंग करना चाह रहा था लेकिन पॉसिबल ही नहीं हुआ। ओके, तो स्कूटी लेकर जा रहा हूँ, वैसे स्केटिंग करते हुए भी जा सकता था लेकिन पानी पानी हो गया यार सब कुछ। तो लेट्स गो, निकलते हैं खेत की ओर। ओके, सो फाइनली अपना खेत आ चुका है और अब यहाँ पर मैं थोड़ा सामान वगैरह दे आता हूँ मम्मी इनको। अच्छा हो गया तो कैसा लग रहा है? तो गाइस अभी खाना वगैरह दे दिया है मम्मी को, मम्मी ने ले भी लिया है और अब मैं जा रहा हूँ वापस घर की ओर। मम्मी खुश हो रहा कि अभी की छांव हो गई है, धूप में काम कर करके थक गए थे, इधर से निकल जाएगी कि। तो अभी जिधर से मैं जा रहा हूँ ना, उधर का रास्ता थोड़ा ज़्यादा ही डिफरेंट है, मतलब बहुत ही खतरनाक था। अभी यहाँ पर सही कर दिया गया है ना, तो यहाँ पर कीचड़ कीचड़ हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे लग रहा था कि निकलेगी नहीं। मेरी स्कूटी के आगे ओला ओला सब फेल है। तो भाई साहब, मैं सोच रहा हूँ कि आज का जो ब्लॉग है ना, पूरा फैमिली ब्लॉग तरह का होने वाला है, मतलब सौरव जोशी ना बन जाओ आज के दिन में। और कमेंट्स तो आएंगे कि भाई तू तो ब्लॉगिंग करने लग गया, नॉर्मल ब्लॉगिंग करने लग गया, बोलेंगे जरूर, मुझे पता जरूर है। लेकिन आज मेरे पास स्केटिंग करने का टाइम भी नहीं है और काम भी है, तो काम ही कर रहा हूँ मैं। सोचा ब्लॉग में बता ही देता हूँ, कभी ना कभी तो बताना चाहिए डेली ब्लॉग। और यहाँ गाँव में मतलब लोगों ने ऐसे घूरते हैं, मतलब कैमरा लेकर भी चलो, ऐसा मोबाइल ऊँचा कर लिया ना तो फिर इतना बेकार तरीके से घूरते हैं कि पूछो मत। मतलब कर क्या रहा, उनको लगता है कि कहीं अजीबोगरीब एलियन आ गया है। स्केटिंग करते वक्त तो मुझे इतना कुछ सोचना नहीं पड़ता है कि मैं लोगों के सामने वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन अभी ऐसा है कि नॉर्मल वीडियो बनाऊँ ना तो थोड़ा अजीब लगता है। स्केटिंग करते वक्त थोड़ा मतलब अलग ही जोश आ जाता है। तो अभी जो है इधर थोड़ा थोड़ा पानी गिर रहा है, खेत तरफ नहीं गिर रहा है। ओके, तो फाइनली पहुँच चुके हैं रिटर्न घर। ये बैठी है सामने बेनू स्केटर, तेरी धोई हुई स्कूटी की ऐसी की तैसी हो गई है। तो गाइस अभी ना मुझे खेत के लिए खाद लेने भी जाना था, लेकिन अभी दिक्कत ये आ गई है कि बाहर छींटे छींटे आ रहे हैं और अगर मैं इस हालत में खाद लेने जाऊंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, मतलब खाद जो है गल जाएगा, यूरिया जो रहता है गल जाता है। अरे
शुरू कर दिया। तो गाइस यार मुझे तो कुछ ऐसे आसार नहीं लग रहे हैं कि मैं स्केटिंग कर पाऊंगा आज के दिन में। तो अभी इन स्केट का तो कोई यूज नहीं हो रहा है, मतलब स्केट नहीं कर पाऊंगा आज के दिन इनका मैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, ड्रीम स्केट वो मैं आपको बता देता हूं। अभी कुछ प्रॉब्लम के कारण मैं इसको ले नहीं पा रहा हूं, लेकिन अभी आने वाला है। देखो क्या ही गजब लुक दे रहा है। तो ये बड़े व्हील से मैं स्पेशली अर्बन स्केटिंग के लिए ही बुलवा रहा हूं। इसको पहन कर ही मैं सिटी राइड वगैरह करा करूंगा। अभी बुलवा नहीं पा रहा हूं क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह आ रखी है। क्या प्रॉब्लम्स है वो थोड़ा बता नहीं सकता हूं। जैसे ही मेरा काम सोलो होता है, मेरी प्रॉब्लम सोलो होती है, फर्स्ट मैं इसी को बुलवाऊंगा, 125 के व्हील वाले स्केट को। A few moments later. So guys, यार ऐसे मौसम के कारण स्केटिंग तो नहीं हो पा रही है, लेकिन हाँ मेरा अभी एक प्लान जरूर से बन चुका है नहाने जाने का। भाई गांव में जा रहा हूँ मैं, ये भी गांव है लेकिन इससे भी छोटा एक और गांव है, वहाँ पर जो है नहर है बड़ी वाली, और वहाँ पर हम जा रहे हैं नहाने के लिए। मैं जा रहा हूँ, मेरा दोस्त जा रहे हैं, और वहाँ पर भी कुछ बंदे मिल जाएंगे, पीयूष वगैरह मिल जाएंगे। तो लेट्स गो, चलते हैं और आपको आज मैं शेयर कराता हूँ भाई मेरे पूरे गाँव की। ओके गाइस, तो रास्ते में से दोस्तों को भी उठा लिया है और अभी हम जा रहे हैं बड़ी वाली नहर पर नहाने के लिए। जाकर बताता हूँ भाई कैसे क्या मेहर है, मजे आ जाएगा। ओके गाइस, तो अभी आ चुका हूँ मैं गांव में और देख सकते हैं गांव का हालत एक नंबर है, गीला हो रखा है। और ये भी आ रहा है साथ में, पीयूष साथ में ये आ रहा है, और हम चार जने ही जा रहे हैं। पर मैं कोने में नहाऊंगा, ये कोने में नहाएगा। चले क्यों नहीं बोल रहे कि मैं ले जा रहा हूँ, मैं ही ले जा रहा हूँ इन सबको जबरदस्ती। तू ले जा रहा है, तू कहाँ ले जा रहा है भाई, मैं ले जा रहा हूँ ना। देखो तो आधा गीलो तो रास्ते में हो गए थे पानी में, और अब पूरा जाकर वहाँ पर होंगे नहर पे जाके। चलो ये अलग गाड़ी से जाएंगे, हम अलग गाड़ी से जाएंगे। ओके गाइस, तो अभी हम कच्चे रास्ते से होते हुए जा रहे हैं क्योंकि हम हमारी नहर पे, और इसी नहर में हम कूदने वाले हैं। तो भाई देख सकते हो नहर कितनी बड़ी है, और सुबह बस यहाँ पर बैठ के नहाऊंगा बोल रहा है। नहा लेना रे, कूद जा, इसकी पटरी है भाई। चलो फिर उतारो कपड़े, अब नहाते हैं। मैं लाया हूँ मेरा इंस्टा 360 भी साथ में, तो इसको हम पानी में भी यूज़ कर सकते हैं। बस ऐसा नहीं हो कि मेरे हाथ से छूट जाए और फिर गया, रस्सी से बांध देना। अच्छा, दिक्कत नहीं आ जाए यार, सही में गिर गया तो फिर मिलेगा भी नहीं, वाटरप्रूफ है ना, 6 फीट तक जा सकता है। तो देखते हैं, ट्राई करेंगे इंस्टा 360 को भी, लेकिन अभी तो हम कपड़े उतारते हैं। गाइस इसका पहला जंप हो रहा है, सबसे पहले यही कूदरा है। ओ भाई, तो हमको भी ऐसे कूदना पड़ेगा, ये भी कूदा। ले तू भी शुभम, तो हमारा विशाल स्केटर, कमोन कमोन बेबी, कूद जाओ। ये पानी आ गया भाई, और बारिश भी आ गई है। अब रखते हैं मोबाइल को और नहाते पेट भर के, पेट भर के नहाते। ओके गाइस, तो अभी हम स्टार्ट कर चुके हैं इंस्टा 360, और आवाज आ रही कि नहीं पता नहीं, लेकिन पानी के अंदर ये यूज हो रहा है। छोड़ दे रहा, मैं ऊपर से कूदूंगा। अरे पानी का बहाव ज्यादा है, मुझे डर लग रहा है यार, यही से कूद लेता हूँ। बस हवा निकल गई, बस कैमरे को कुछ ना हो। तो क्या कूदा यार गाइस, ये चालू मजा ला दिया। तो गाइस ये बॉडी बिल्डर देखो आप, पूरे सिक्स पैक के साथ में, पूरे कट के साथ में, इसने क्या गजब की छलांग मारी थी, ऑसम वाली। मुंह केवल मारी थी भाई, मुंह केवल गिरा था पानी में, मैं भी कूदना चाह रहा था लेकिन मेरे से नहीं होगा यार। और ये तो कूदा ही नहीं शुभम, अभी सब नहा वहा लिए है और हो गया है हमारा काम, तो अब जाते हैं रिटर्न घर। तो गाइस फाइनली यार मजे ले लिए हैं नहर के, नहर में नहाने के, और अब हम घर जा रहे हैं। सबने कपड़े वगैरह पहन लिए हैं। तेरा नोट गीला हो गया क्या? तो इसने 100 रुपए गीले कर दिए हैं, 100 रुपए गीले कर दिए ना, 20 रुपए। अबे साले, तो चलते हैं अब घर, बहुत एंजॉय कर लिया है। I was a lonely sailor, needed somebody to show the way.